करिए। केएल शर्मा टक्कर दे पाए? हाँ, केएल शर्मा नंबर एक का टक्कर देंगे। हाँ, स्मृति ईरानी माने कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी फिर क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी? अरे वो तो कुछ भी कहे यार, उनको कहने क्या, तो कहते आंख मारते हैं हमको। अभी वो खड़े हो जाए बोले आंख मार दिया, झंझट खड़ा हो जाएगा, कैसे होगा? पिछली बार वायनाड से राहुल गांधी 6.5 लाख वोटों से जीते थे। रही बात कि अमेठी से वो हार गए, तो अमेठी की जनता ने उनको नहीं हराया, उनको उनके प्रशासन शासन तंत्र ने हराया, उनकी तानाशाह ने हराया, हाँ उनकी सत्ता ने हराया। मोदी जी तानाशाह हैं? बिल्कुल तानाशाह हैं। एक ब्राह्मण चेहरा है, वो अमेठी से लड़ रहा है सारे। ये ब्राह्मण किसके साथ है? ब्राह्मण सबके साथ है, जो स्मृति मोदी जी के साथ है? नहीं, स्मृति ईरानी के साथ कोई नहीं है। फिर किसके साथ है? सिर्फ राहुल गांधी का और राजीव गांधी का अकेले यहाँ अमेठी से है। अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे केएल शर्मा लड़े, चाहे जो लड़ेगा। यहाँ स्मृति ईरानी 5 लाख वोटों से की हार के जा रही है अमेठी लोकसभा चुनाव। 928 महिलाओं के साथ रेप करने वाले को प्रधानमंत्री खुद से तुलना कर सकते हैं, तो हमारे भाई साहब किसे आरोप लगा? नमस्कार, मैं जुबैर और आप देख रहे हैं PRP। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमेठी में। 2024 का चुनाव जारी है, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 3रे चरण का मतदान होना है। उससे पहले इस वक्त अमेठी की जनता यहां पर मौजूद है। केएल शर्मा को जिस तरह से अमेठी में उम्मीदवार बनाया गया, ये कहा जा सके कि लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी ये उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन केएल शर्मा यहां से उम्मीदवार बना दिए गए हैं। इससे यहां पर तमाम लोग जो मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि केएल शर्मा कितना टक्कर दे पाएंगे स्मृति ईरानी को, जो यहां से मौजूदा सांसद हैं, और स्मृति ईरानी ने क्या काम किया पिछले 5 सालों में। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल नरेंद्र मोदी के कैसे रहे, उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है। तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। अपना नाम बताइए सर। अपना नाम बताइए। राजकुमार यादव है मेरा नाम। यादव जी, कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के 10 साल और स्मृति ईरानी के 5 साल? नहीं नहीं, असल बात में 10 साल 5 साल की बात तो आप सही पूछ रहे हैं। तो उसमें ये है ना कि जैसे जो काम हुए हैं और जो काम नहीं हुए, जो काम पहले भी थे और उससे बढ़िया काम नहीं हुआ है। जो पहले काम होते थे उससे अच्छा काम नहीं हुआ है। सबसे पहले ये कि अभी किशोरी लाल शर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया गया है, लेकिन अभी तक ये कयास लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी को यहाँ से उतारा जाएगा कांग्रेस पार्टी से, लेकिन केएल शर्मा को जिस तरह से उतारा गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, यहाँ की जनता जो है वो तो राहुल गांधी के लिए परेशान थी कि वो यहीं से चुनाव लड़े, लेकिन अब वो बड़े नेता हैं, अब वो या उनके पार्टी का जो मेन होगा, अब उनको अब राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, केएल शर्मा लड़ रहे हैं, तो क्या स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे? जी जी जी, टक्कर रहेगी, टक्कर रहेगी, तब भी टक्कर होगी, टक्कर रहेगी, बराबर टक्कर रहेगी। हाँ, केएल राहुल कमजोर नहीं पड़ेंगे। अरे स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए। नहीं नहीं, वो भागे नहीं है, उनको तो लड़ना था, तो रायबरेली लड़ते तो अमेठी लड़ते, हार मान चुके, देश से चले गए। ये हार मानने वाली बात नहीं है, किसी ऐसे बड़े नेता को ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनको लड़ना था, चाहे अमेठी से लड़ते या रायबरेली लड़ते था। जी बताइए, जब स्मृति ईरानी यहाँ आई थी कौन जानता था उनको? कोई नहीं। आप जानते थे? आप भी नहीं जानते थे ना? जब आप नहीं जानते थे, आज केएल शर्मा को सभी जानते, 40 साल से जानते हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, जीतेगा। केएल शर्मा टक्कर दे पाएंगे? हाँ, केएल शर्मा नंबर एक का टक्कर देंगे। हाँ, स्मृति ईरानी माने कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी फिर क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी? अरे वो तो कुछ भी कहे यार, उनको कहने क्या, तो कहते आंख मारते हैं हमको। अभी वो खड़े हो जाए बोले आंख मार दिया, झंझट खड़ा हो जाएगा, कैसे होगा? सीरियस नहीं ले रहे स्मृति ईरानी? अरे सीरियस ले रहे हम, कोई सीरियस नहीं ले रहे हैं। अरे वो सीरियस लायक है ही नहीं यार, वो सीरियस लायक है ही नहीं। कुछ काम तो किया होगा स्मृति ईरानी ने? क्या किया आप बता दीजिए, सालों में आप पूछने आए हैं तो जानते होंगे क्या काम किया है। आप यहाँ के रहने वाले? हम यहाँ के रहने वाले, यहाँ कुछ नहीं किया है। आप आए हैं, आप बताइए क्या किए हैं। आप लिस्ट लेके आए होंगे ना, वो पूछिए कि ये काम किसने किया है।
आप इस तरह पूछिए। 13 रुपए किलो चीनी देने के लिए हाँ मिल रही है हमको 13 रुपए के लिए। आपको मिली? आपको मिली इंडिया में? आपको मिली कहीं 13 रुपए किलो चीनी? स्मृति ईरानी कह रही है। अरे स्मृति ईरानी यहाँ भाड़ में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको 13 रुपए किलो चीनी मिली? नहीं मुझे नहीं मिली। नहीं मिली ना, तो आप ये बताइए कि 13 रुपए कहाँ और नहीं मिली। आप ये प्रचार करिए, आप ये मत कहिए कि 13 रुपए किलो चीनी मिली, हमसे मत पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मिली। राहुल गांधी अगर आप लोग पत्रकार हैं, मैं कांग्रेसी भी हूँ एंड आई एम द रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम द आर्मी। पहले बात सुनिए, सच्चाई की बात सुनिए। इंडिया को बेचने के लिए जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, इंडिया बेच रहे हैं, हाँ इंडिया बेच रहे हैं बिल्कुल, उसमें स्मृति ईरानी माने कुछ नहीं है। आई डोंट माइंड, मैं स्मृति ईरानी को मानता ही कुछ नहीं है। हाँ। हाँ? आप मानते होंगे, आप पत्रकार हैं, आप बोल दोगे गलत तो आपको भेज देंगे कहीं और। अमेठी की सांसद हैं, अमेठी की सांसद। अरे यार सांसद को माने कुछ नहीं होता, यहाँ प्रधानमंत्री माने कुछ नहीं होता। अरे करिए मैं अमेठी की हो चुकी हूँ, स्मृति ईरानी करिए मैं अमेठी की हो चुकी हूँ। पहले एक चीज बताइए, जब स्मृति ईरानी यहाँ आई थी उनको कौन जानता था? आप जानते थे? कोई नहीं जानता था। पहले आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको तो मैंने दे दिया। स्मृति ईरानी को कोई जानता था? कैसे जीत गए? अब तो जान रहे हैं ना, आज जान रहे हैं ना, तो केएल शर्मा को ऐसे लोग जान जाएंगे। आज जानते भी हैं और उनको जिताएंगे भी, बहुमत से जिताएंगे। अगर स्मृति ईरानी कह रही है कि जो, अरे स्मृति ईरानी जो कह रही है उसको हम कैसे मान लें भाई, को सही है? वो तो बहुत कुछ बोलेंगी, वो तो सिलेंडर लेके सिर पर टहल रही थी, आज तो नहीं लेके टहल रही है। तब महंगाई थी कह रही थी। अच्छा आज महंगाई नहीं है, आपको सस्ता मिल रहा है, आज महंगाई नहीं है। अरे एक मिनट, आज महंगाई है कि नहीं है? एक मिनट सुनिए, आपको आपको सुनिए, आपको सिलेंडर कितने मिलता है? स्मृति ईरानी सिलेंडर कितने मिलता है? अरे सुनो भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सिलेंडर कितने मिलता है? इसका सीधा जवाब आप बताइए, आपको सिलेंडर कितने मिलता है? जितने में आपको मिलता है? हमको तो 1200 रुपये मिलता है। यही मिलेगा, मिल रहा है ना? तो आप कैसे कह रहे हैं कि सिलेंडर सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई? कोई चीज सस्ती नहीं है, जो इन्होंने किया है वो जनता के बीच में जमाएंगी, आप लोगों के जरिए नहीं, वो डायरेक्ट जब जनता में पहुंचेंगी वो खुद बताएंगे कि मैंने क्या किया है, और जनता उनसे खुद पूछेगी कि आपने जहां कहीं पुल बनाया है, जहां कहीं चीनी बेचा है, जहां कहीं सिलेंडर फ्री में दिया है, वो बता दीजिए, तो वो खुद जवाब देंगे, आप लोग चिंता मत करिए। क्या कहेंगे केएल शर्मा जी? देखिए हम भारतीय किसान यूनियन भानु से हैं, और हमारा संगठन जो है कांग्रेस को समर्पित है, तो हम तो किसानों के हित की बात करेंगे। स्मृति ईरानी जी घूम, तो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किसानों के हित लिए कुछ काम किया कि नहीं किया? उसी मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ। मोदी जी की तो मैं बात नहीं करूँगा, वो तो सबसे झूठा प्रधानमंत्री 70 साल का हुआ है देश का। वो कहते हैं, अभी झारखंड में कह रहे थे और गुजरात में कह रहे थे, सूरत में कह रहे, जहां भी उनकी रैलियां हो रही हैं, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी डर करके वायनाड भाग गए और वहां से हार रहे हैं, इसीलिए जो है रायबरेली में खोज रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपको अगर मोदी जी अगर आपको ना मालूम हो तो आप सर्वे उठा कर देख लीजिए, पिछली बार वायनाड से राहुल गांधी 6.5 लाख वोटों से जीते थे। रही बात कि अमेठी से वो हार गए, तो अमेठी की जनता ने उनको नहीं हराया, उनको उनके प्रशासन शासन तंत्र ने हराया, उनकी तानाशाह ने हराया, हाँ उनकी सत्ता ने हराया। मोदी जी तानाशाह हैं? बिल्कुल तानाशाह हैं। अगर देखिए ये घूम घूम के दुरदुरिया चबवा रही हैं, इनको जो है वो चुनाव आयोग नोटिस नहीं कर रहा है, और अभी अमेठी के विपक्ष के जो भी नेता होंगे उनका पैर दाएं से बाएं अगर होगा तो तुरंत नोटिस कटेगी, और दुर्दुरिया चबवाने की। और सुनिए, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है? इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, चोर है। हाँ निष्पक्ष होता तो ऐसे चुनाव होता जैसे निष्पक्ष हो रहा है। भरोसा नहीं है आपको? हमको नहीं, पूरे देश को भरोसा नहीं है। मोदी पर तो भरोसा रखिए। मोदी पर सबसे झूठा प्रधानमंत्री तो आज तक कहीं मिले ही नहीं। हाँ और मैं 50 झूठ गिना। राष्ट्रवादी आज नहीं हुआ 2014 से, राष्ट्रवादी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म, ये सब का भारत देश है, ये किसी अकेले का भारत देश नहीं है। कह रहे सदियों में पहले बहुत बार मिला, इस बार पहली बार प्रधानमंत्री सदियों में इस बार मिला है।
हाँ सदियों में सदियों में सबसे पहला प्रधानमंत्री भारत देश को मिला है जो 140 करोड़ जनता को मूर्ख बना रहा है। हाँ आपने क्या कहा 156 इंच वाला सीना, 156 इंच का अगर सीना होता, 56 मैं 56 इंच की बात कर रहा हूँ, अगर 56 इंच का सीना होता तो धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर से उनका एक भी कैंडिडेट लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है। डरे वो हैं, डरे राहुल गांधी नहीं हैं, वो डरे नहीं हैं। और वो जो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी कहती हैं अमेठी से डर के भाग गए, अरे ये जननायक हैं, ये उनके सेवक हैं, यही आए हैं 40 साल से हैं, केएल शर्मा को 40 साल से लोग जानते हैं, उनको तो कोई नहीं जानता। उनको तो सिलेंडर लेकर के जब देखे तब अमेठी के अंदर एक जो एहसास हुआ कि नई नवेली कहीं दूसरी जगह से आई हैं, कितने कितने घरों को खराब करके आई हैं, हो सकता है अमेठी के लिए कुछ काम करें, तो कुछ काम किया नहीं। रही बात 13 रुपए किलो की चीनी की बात, जो कोटे में चीनी मिलती थी गरीबों को, जो कांग्रेस फ्री में चीनी देती थी कोटे में, आज वो भी बंद हो गया, मिट्टी का तेल बंद हो गया। रही बात 5 किलो राशन की, 5 किलो राशन मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है राशन, 5 किलो राशन में कटौती हो रही है, 4.5 किलो मिल रहा है, और उसके बाद जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है उसके एवज में एयरटेल बोडा जितनी भी मोबाइल की कंपनियां हैं उनसे 50-50 करोड़ का चंदा ले लिए हैं, और वो कंपनियां गरीब जनता से 200-200 रुपए महीना वसूल रही हैं। कांग्रेस की सरकार में मोबाइल फ्री थी। चलिए ठीक है, स्मृति ईरानी ने कैसा काम किया है पिछले 5 साल में? ऐसा काम किया, पहले से सबसे बड़े दीदी को नमस्कार करते हैं, दीदी को नमस्कार करने के बाद अमेठी की दीदी है, अमेठी की दीदी है, उनके बाद बोले कि मैं चाहूंगा 300 रुपए में लेकर सिलेंडर, और पूरे गाँव में ऐसे नाटक के दौरान सभी से उपस्थित वहाँ पे देखा, कांग्रेस के जितनी भी नेता हैं सब समझ के उनके समझते हुए उसके बाद केएल शर्मा को आज देखते हुए हम यहाँ पे उपस्थित हैं, और उनको बताने के लिए इतना ही केएल शर्मा दे पाएंगे टक्कर? बिल्कुल बिल्कुल दे पाएंगे, बिल्कुल केएल शर्मा हमेशा दे पाएंगे टक्कर, अमेठी से उभरता चेहरा केएल शर्मा, और लुढ़ के उसके बाद राहुल गांधी भाग गया, राहुल गांधी बिल्कुल भाग नहीं गया, राहुल गांधी लड़ेगा और रहेगा, हमेशा सबके बीच में रहेगा, सबके बीच में रह के उसके बाद सारा पूरा नेता बन के रहेगा, वो हमारे सबके बीच में उपस्थित है। और उसके बाद हम इतना कहना चाहते हैं कि आप सभी के बीच में हम उपस्थित छोटे भाई के होते हुए, और हम इतना ही कहना चाहते हैं कि उसके बाद सबकी बात और सबका सब कुछ सुनिश्चित रखें। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र पांडे उर्फ सोनू पांडे। पांडे जी, कैसा लग रहा है केएल शर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं? एक ब्राह्मण चेहरा है वो अमेठी से लड़ रहा है सारे, ये ब्राह्मण किसके साथ है? ब्राह्मण सबके साथ है, स्मृति मोदी जी के साथ है? नहीं, स्मृति ईरानी के साथ कोई नहीं है। फिर किसके साथ है? सिर्फ राहुल गांधी का और राजीव गांधी का अकेले यहाँ अमेठी से है, अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे केएल शर्मा लड़े चाहे जो लड़ेगा, यहाँ स्मृति ईरानी 5 लाख वोटों से की हार के जा रही है अमेठी लोकसभा चुनाव। स्मृति ईरानी हार रही है? हाँ, 5 लाख वोटों से कह रहे स्मृति ईरानी 5 लाख वोटों से हार जाएंगी। तो समय बताए 5 लाख वोट से की हारता है। हाँ ये देखो भगवा पहने कह रहे हैं कि 5 लाख से राहुल हारे केएल शर्मा। समय बताए एक देखा था, ये चाहता की आप सब न्यूज देखा था, ऐसा होता लागे केएल शर्मा के जानता है पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ना बाईपास बनो है ना ओवर ब्रिज बनो, राहुल गांधी का करे हैं अमेठी में, का करे एक पहले जनता पूछे, का जनता आंदर भैया का देखात नहीं ना बाईपास होगा। स्मृति ईरानी ने क्या काम किया आप बताइए? स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया, स्मृति ईरानी ने बाईपास बनवाया, ओवर ब्रिज बनवाया है, जनता को आयुष्मान कार्ड बनवाया, खुद हमारे घर में तबियत का आयुष्मान कार्ड से बने हुआ। बताओ कह रहे स्मृति ईरानी तो बड़ा काम कर दिया है, बता रहे स्मृति ईरानी हमको ये बताएं कि जितना रोड बना है उसमें सिर्फ बोर्ड लगा है, बाईपास इनके प्रस्ताव में है भैया? बोर्ड लगा है, आप आ रहे हैं बाईपास देख रहे हैं, उसी से गए पर्चा दाखिला करने, पर्चा दाखिला करने गए उसी से, हाँ वही रोड से गए हैं, वही रोड पर गड्ढा भरा घुस जा रहे हैं। राहुल गांधी के सांसद थे 2019 में, तभी पास था अमेठी का बाईपास, वो भी आज चलने लायक नहीं, नीचे से रेलवे क्रॉसिंग बंद करवा दे रही हैं, नाम बदल रही हैं, सिर्फ जहां कांग्रेस का बोर्ड लगा था वहां अपना ये नाम
लगवा रही हैं, ये चंद्र लोगों के, जैसे राजेश मसाला उनके चहेते अकेले हैं, उन और अमेठी में कोई उनको नहीं दिख रहा है। केएल शर्मा, अब राजेश मसाला की बात कर रहे हैं, राजेश मसाला का मतलब इनको से कोई राजेश मसाला ही टारगेट मिल रहे हैं। काम पे बात करें ना, काम बाईपास हुआ, वहाँ काम हुआ। स्मृति ईरानी ने कहा टाउन एरिया में काम, काम, काम पे बात सुनिए, काम पे बात जो भाजपा मित्र हमारे कह रहे हैं, ये लोग भ्रमित हैं। यहाँ जो है भाजपा, जो भाजपाई है वो दिल पे हाथ रख के नहीं कह सकता। भगवा पहने हैं, कह रहे कट्टर हिंदू हम। अरे यार, हम त्रिपुंड लगाए, हम भी सनातनी है, सब राम के बाजारों में बेचे वाले हैं, ये सब राम का बाजारों बेचे वाले हैं भाजपा वाले। हम हमका कवरेज दे रहे हैं ना, सुना? 3 बजे राती का आतंकवादी के लिए हाईकोर्ट के दरवाजा खोले वाले पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ पहुँचा? एक मोदी ने बचा भी, ये भाजपा के मित्र बहुत बहके हुए हैं, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, 928 महिलाओं का रेप करने वाला प्रज्वल रमन्ना, उसके लिए देश का प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है, कह रहा है मुझे प्रज्वल रमन्ना से मान लीजिए। गठबंधन जैसा गठबंधन सपोर्ट कर रहे हैं, 928 महिलाओं के साथ रेप किया है, ऐसे गठबंधन उसमें दिख रही है, जैसे गठबंधन कैसे है आप पूछे? सुनिए, 928 महिलाओं के साथ रेप करने वाले को प्रधानमंत्री खुद से तुलना कर सकते हैं, तो हमारे भाई साहब किसे आरोप लगा रहे हैं? बलात्कारी अमेठी से, अमेठी से मोदी नाम से पहले पैदा हुए, अमेठी से जब विधायक है पैदा हुआ, उनके पति का बता रहे हैं, ये सब राम को लाएंगे, लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या भाग गए, आज तक पता नहीं लगा पाए भाजपा वाले। इनके भैया सत्ता बाय मारपीट के चुनाव जीता है, मोदी राम को पैदा किया कि उनका मंदिर बनवाए, सरकार किसी की रहेगी बनवाएगा।